नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और सीपीएल 2020 के आज के मैच नंबर 2 के प्रेडिक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। गुआना भिड़ रहा है जमैका से, टीम आपके सामने आज के हमारे प्रेडिक्शन वीडियो के लिए जो खेल रही है। बदलाव होगा रियल से थोड़ा बहुत। टॉस का वक्त, जमैका का कॉल, टेल्स के साथ जा रहे हैं। टॉस जीतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2 मैचेस हम लोग हार चुके हैं, खास करके रन डिफेंड में। गुआना जीत गया टॉस, डिपेंड रहना पड़ेगा सामने वाली टीम के ऊपर। बैटिंग लेते हैं या बॉलिंग? बैटिंग में आया है, हम आएंगे बॉलिंग में, मतलब रन चेज होगा जो कि इजी लग रहा है। इजी मतलब कंपेयर टू डिफेंड के। होता हुआ आगाज आज के मैच का, यहाँ पर बॉलिंग टीम के अपने टारगेट होंगे, बैटिंग टीम के अपने टारगेट होंगे। हम कर रहे हैं बॉलिंग तो डेफिनेटली हम चाहेंगे 160 के अंदर आसपास रोकना। वहीं पे अगर बैटिंग टीम की बात करें जो कि ओपनर्स आ चुके हैं, यहाँ पर ये चाहेंगे 180 प्लस जाना ताकि आसान रहे। और ऑटो प्ले बड़ा रोल प्ले करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू करते हैं आज का हमारा गेम प्ले, पहली गेंद फिर ऑटो प्ले और फिर हमारा फिडल एडवर्ड्स। पहली गेंद मैच की, सेम शॉट स्ट्रेट में और आसानी से चार। पावर भी था शॉट में, गैप में भी था। 5 ओवर की समाप्ति, 125 8 के ऊपर के रन रेट मैं मानता हूँ इनफ है एक अच्छी शुरुआत कहलाने के लिए। अच्छी शुरुआत से बेहतर ही है। 3 विकेट भी गिरे हैं, 7 विकेट हाथ में भी हैं। देखते हैं क्या होता है गेम प्ले में आगे। संदीप लमिच ने राइट हम रिस्ट स्पिन से शुरुआत हो रही है, अभी तक तो अच्छी डाली है गेंद। शॉट भी हाल फिलहाल मैं मानता हूँ गलत खेल रहे हैं, थोड़ा बार बार स्विप खेलने की जरूरत है नहीं। 2 ले रहे थे, कैंसिल किया, पहला रन आता वो हमारे सेशन का। दोनों बल्लेबाजों के खिलाफ एकदम अलग ही अप्रोच। एज लगी और शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डर डॉट। पिच अच्छी है या हाल फिलहाल शायद शॉर्ट सिलेक्शन गलत था, अब बदला है शॉर्ट सिलेक्शन। लेग साइड पर से चौका एंड बॉनर। अगला ओवर भी स्पिनर के नाम, गेंद गलत है, देख के कह सकते हैं दूर से। ग्राउंड बड़ा लग रहा है, काफी रुकी है गेंद, चौके की उम्मीद लगाया था, गेंद रुक गई है। 2 रन, आसान नहीं होगा मतलब ग्राउंड शॉट में चौके लगाना। बदलाव नहीं साइड में, लेफ्टी आ चुके हैं। हाल फिलहाल रिजल्ट ऐसा मिला है कि अगली गेंद को बदलेंगे हम लोग, तब तक डैमेज हो चुके हैं। हिलर एक बार फिर स्ट्राइक पर, ऑलरेडी एक शॉट लगा चुके हैं बड़ा और उस पर सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार चौके में कन्वर्ट किया है। तो पहले वाला ओवर तो अच्छा डाल लिया था, लेकिन अब क्या करते हैं क्योंकि बल्लेबाज खुले नहीं थे जो कि इससे पहले वाले ओवर में कर चुके हैं बड़े शॉट लगा के। ये गेंदबाज दबाव घटाया था, अगले ओवर में दबाव हट गया है, वही दबाव इस गेंदबाज पे आएगा जिसकी ओवर अच्छी गई थी। 4 रन, 2 बैक टू बैक अटेम्प्ट आखिर तक, लेकिन सफलता नहीं। काम की चिंता भी बढ़ती हुई। स्पिन की कोशिश, सब पे पिट रहे हैं। 160 तो अब बन ही गए, अब यहाँ से 160 रोकना इम्पॉसिबल है। 50 पूरे 31 गेंदों में, ये पिछली 10 गेंदों का ही कमाल है। चेहरे पे मुस्कान, गुगली कुछ खाया फायदा नहीं। अब आप अपने तर्कस में से जो निकालना चाहे निकालो, टोकरी में से सब पे पिट रहे हो। 4 चौके ऑलरेडी लग चुके हैं, सारे शॉट को अब टेढ़ा मेढ़ा खेल रहे हैं, फील्डिंग कहीं काम कर नहीं रही है। एक और चौका, 5 चौके, स्लाइडर चले जा डॉट, डॉट तो ना सही, लेकिन 5 चौके हाल फिलहाल रुक गए, ये राहत की बात है। राहत की क्या कहूँ, रन ट्राई में इसको हुई गया इस ओवर में भी। बोनर फिर से और इस बार शायद रुकेगी गेंद, नहीं 2 निकाला है, इनफ है शुरुआत के लिए, इनफ है, बाकी 5 गेंदें तो हैं ही अभी। हेटमायर, इनका एटीट्यूड भी अग्रेशन वाला ही था और टेलर के हटने के बावजूद भी फायदा नहीं हुआ है बल्कि नुकसान ही है। एक और चौका, स्पिन की कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन शायद ये पिच है ही नहीं स्पिनर लायक, हमें देखना होगा कितनी ओवर्स मिलती है खेलने को। एक और इस बार 6 है शायद। कान के डिसीजन के साथ ही मैं जा रहा हूँ लमिचने आते हुए, ये कितना क्रॉस खेलेंगे, मैं कई बार शर्म कर जाता हूँ जब मैं क्रॉस खेलता हूँ, मुझे अजीब लगता है, लेकिन ये नहीं कर रहा है सर। 3 तीसरा ओवर चल रहा है, अरे फिर से क्रॉस, हद हो गई यार, अब हद हो गई, अब मत करो, थोड़ी शर्म रखो। यहाँ पे हाल फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं बल्लेबाज, दूसरी गड़बड़, मेरी सारे लेग ब्रेक पता नहीं कहाँ, स्विच हिट पे भी अटेम्प्ट कर रहे हैं स्ट्राइक। अरे वाह, 2 रन निकाल लिए, एकदम नजदीक ही था फील्डर, फिर भी एक ओवर और मिल जाती सर, 2 ओवर और मिल जाती, नहीं ये एक भी मेरे ख्याल से इनफ होती इनके लिए, 1 या 2 ही समझो आप, लेकिन निकाल लेते हैं ये आराम से, 100 कर लेते हैं। अरे यहाँ फील्डर बीच में 2 रन निकाल लिया है 75 पहुँचते हुए।
41 गेंदों में, 4 गेंदे 12 रन, फिर से क्रॉस, मैं फील्डर रख भी नहीं रहा, ये मेरी भी गलती है, कान भी नहीं रखने एआई वाले। 15 ओवर तक खराब हालत नहीं थे, लेकिन उसके बाद और खराब हो गया, अभी भी पिटना बाकी है। 16 तो दे ही थे, 20 दे के गई आखिरी ओवर, 50 कर लिए मेरे ख्याल से रमेश ने, 198 पे रुका गुआना। लाजवाब स्कोर हमारे इस CPL 2020 का सबसे बड़ा स्कोर गुआना का। एक बार फिर हमने देखा है कि बल्लेबाज 80+ गए हैं, लगातार 3 इनिंग में हमने देखी ये चीज़। शुरुआत अच्छी नहीं थी, डक मिला था देख सकते हैं ओपनर को, उसके बाद जो वापसी की, तीनों खिलाड़ियों ने अच्छा खेला उसके बाद, और टॉप ऑर्डर में ब्रैंडन किंग ओपनिंग आए थे, उन्होंने भी अच्छी शुरुआत की थी। विकेट जो आए तीनों के तीनों एडवर्ड्स को आए, उसके अलावा किसी को सफलता नहीं। रन रेट डेफिनेटली कम लग रहा है, 6-6, 7-7, 7-7, लेकिन पिटाई जिनकी हुई उनकी जम के हुई, बॉनर और लमिशने की। 199 ऑन पेपर बहुत मुश्किल, लेकिन देखते हैं कितना साथ देता है ऑटो प्ले और कैसे हम बैटिंग करते हैं। वॉल्टन वाली करेंगे शुरुआत, उन्होंने तो पहली गेंद का अपोनेंट ने चौका लगाया था, देखते हैं हम क्या करते हैं। गेंदबाजी में कीमो कॉन, राइट आर्म फास्ट मीडियम, कोशिश तो है कि चौका चला जाए, लेकिन स्पीड का ज़्यादा आइडिया है नहीं। 2 भी निकल जाए तो भी मत लो, 1 ही लो, 1 रन। अपोनेंट से बेहतर शुरुआत, थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है हुआ है कि अभी अभी हमने विकेट खोया, देख सकते हैं आंद्रे रसल ने अभी एक भी गेंद खेली नहीं है और 4 विकेट हमने गंवा दिए, और दोनों खिलाड़ी नए हैं, नकरुमुआ बूनर बॉनर और आंद्रे रसल। गेंदबाजी में ये हाल, चलते हैं रन चेज हो पाता है या नहीं वो देखते हैं। शेरफान ए रुद्रकोट 2 ओवर में 22 रन, मैं पहले ओवर से ही बड़े शॉट खेलने जा रहा हूँ जो शायद गलत डिसीजन होता हुआ, इतना भी क्लोज नहीं था। 13 रन पर ओवर करना, स्पिनर कितने आते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ये तो ये फुल लेंथ गेंद की पढ़ना तय ही था, 6 से डिजर्व करती हूँ। आंद्रे रसल है भाई, ये मसल दिखा पाएंगे या नहीं वो देखना है, कितना ये गेंद तो आई थी डायरेक्ट, इसलिए मैं तो कहूँगा गेंदबाज की गलती है, ये डल पे खड़े हैं, ध्यान रखना होगा, आउट भी हो सकते हैं। फील्डर नहीं आ पाए हैं, 2 निकाल लिया हमने, 3 में 8 आंद्रे रसल। रुदरफोर्ड दूसरी गेंद ऑफसाइड पे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस दिखा रहा है बल्लेबाज का, ऑफसाइड पे 6। इस तरह के शॉट बीच बीच में लगाने होंगे 30 गेंदों में ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। बाउंस आएगी नहीं, जो भी है, अरे यही तो गलती का इंतजार कर रहे थे, ऊंचाई मिली नहीं इस बार, इतना ज़्यादा ऑफसाइड था कि ऑफसाइड से लेग साइड खेलते खेलते गेंद की ऊंचाई चली गई, ऊपर से जाती ये गेंद तब तो चौका ही था, लेकिन ऐसा हो ना सका। और फील्डर का भी क्रेडिट, ऑलमोस्ट हवा में ही थे जब कैरी किया गेंद को, और एक बहुत बड़ा विकेट आंद्रे रसल का ले गए गेंदबाज रुदरफोर्ड। रिमेंबर द नेम, में अगर किसी का नाम याद आता है तो वो कार्लोस ब्रेथवेट। फील्डिंग सेटअप बेस्ट, अब गैप यहाँ से हम 2-2 के थ्रू निकालना चाहेंगे। पहली ओवर समाप्त, अभी 12 के ऊपर, अभी जज करना बहुत मुश्किल हो रहा है स्पिनर को, देखिए खुद भी कंफ्यूज लग रहे हैं। एग्जैक्ट स्लॉट में दी थी गेंद, इस बार हमने क्रॉस खेला है, जैसा अपोनेंट ने हमको खेल के दिखाया था वैसा ही खेल रहे हैं हम लोग। 4 रन, रन रेट अभी 12 के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रन रेट को 12 के नीचे लाना, मेंटली थोड़ी राहत होती है, हर गेंद पे आप एटलीस्ट हर गेंद पे 2 नहीं लेना होता। हम भी पीटे गए थे, तुम भी पीटे जाओगे, क्राउड की आवाज, चलिए 6 रन, जितने आ जाए लूट लो, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। बहुत सही, बहुत सही, रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रेथवेट। कान की समझ भाई, पिच ही नहीं है स्पिनर के लिए, कितना भी कर लो पड़ेगी आपको, हमने ऑलरेडी कप्तान से समझ के देख लिया था। हाँ अब हम गलती करेंगे तो फिर पूछतेंगे, यहाँ पर थोड़ा साथ दिया है, किस्मत से 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट थ्रो निकाल लिए 2 रन, डायरेक्ट भी लगी है। मिड विकेट के अलावा सारे 4 लोकेशन लॉक लग रहे हैं मेरे को तो, इसलिए हम बड़े शॉट ले ही नहीं पा रहे। बोनर अगर टाइमिंग टेक्निक से खेलते हैं तो 4 निकाल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सिंगल अपील बड़ी, हर गेंद पे एक रन आया है। गेंदबाज को क्रेडिट जाएगा इस मैच में वापसी कराने के लिए, थोड़ा बहुत नॉट आउट अंपायर के लिए। विकेट भी बचाना चाहता हूँ इसीलिए मैं कोई बड़ा शॉट लिया नहीं, चलिए जाते जाते चला गया है 4, बहुत राहत मिली इस चौके से। मैं मानता हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चौका है हमारा, क्योंकि पूरा ओवर में 5 में 5 आया था, ये चौके से 9 हो गए हैं रन। स्पिनर आ गए, बस यही एक ओवर चाहिए, बस यही एक ओवर विन मेरे ख्याल से। 12 गेंदे 18 रन, 6 ब्रेथवेट, नहीं 6 नहीं जा रहा, ओह ये मेरा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस बिक गया, क्या चाउंड हो गए।
ऑफसाइड में खेला था, जिस स्पीड से जा रहा था सिक्स लग रहा था, ऊंचाई थी नहीं शॉट में, शायद यही रीजन, शायद नहीं यही रीजन रहा है, ऊंचाई भी नहीं थी दूरी भी नहीं थी। गेंद को रनिंग कैच किया है, वो भी बधाई के पात्र होंगे, चाहे पिटाई बहुत हुई गेंदबाजी में, लेकिन अपने आउट उन्होंने ही किया है। 9 में 28 करके आउट, सारे खिलाड़ी 36-35 रेटिंग वाले, संदीप आते हुए अगले, बैक साइड ओपन और ये गिर गई गेंद, पहले ही बच गए, दो रन निकाला वो अलग फायदा। 8 में 13, फिर से तैयार क्रॉस खेलने के लिए, इस बार बेहतर आई है गेंद, रिजल्ट भी बेहतर, 6 विकेट से फिनिश कर लिया है जमैका ने मैच अपने लिए, ये मैच में जीत के नजदीक बढ़ता हुआ। आखिरी ओवर के लिए क्रिस ग्रीन, ये भी स्पिनर है, कप्तान खुद आए हैं पिटने के लिए, बहुत बड़ा रिस्क कप्तान, और मैच मैं रन दौड़ान छोड़ दिया था, अरे पकड़ लिया है यहाँ पर इन्होंने, कोई बात नहीं हम 3 निकालेंगे, थोड़ा क्विक होते रनिंग में तो एक और निकाल लेते, 4 निकाल लेते दौड़ के, औपचारिकता बाकी। कुछ करने का स्क्वायर के ऊपर से बड़े शॉट की कोशिश, मिस हुए पूरी तरह से, विकेट खोया अभी के लिए, लेकिन अभी मैं कहूंगा जमैका ही आगे है। गेंद की फुल लेंथ स्टंप की लाइन में थी, बल्ला पहले चला गया, मिस हुए और बोल्ड क्लीन बोल्ड संदीप ने मिच ने आउट, कवराइज शाम से 4 गेंदें 2 रन। क्रिस ग्रीन फिर से क्रॉस आ रहे हैं, अपील हुई है, लेग बाय ले रहा हूं मैं रन, अपील तो बहुत बड़ी की है, लेकिन जब पिचिंग ही लेग साइड है तो अपील का कोई मतलब ही नहीं बैठता, नॉट आउट, फिनिश होना चाहिए मैच, नहीं अभी नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इमरान ताहिर दुखी नहीं के गण हार रहे हैं, 2 गेंदें 2 रन, फिनिश, क्विक रन है, डायरेक्ट थ्रो लगा नहीं है, जीत गई है यहाँ पर जमैका, ये डायरेक्ट हिट लगता तो आउट होते हैं, अंत में एक विकेट गिरता, लेकिन जीती है 3 विकेट से अभी के लिए मैच। प्रिडिक्शन वीडियो होता हुआ यहाँ समाप्त, फिडल एडवर्ड्स बने मैंने तो मैच काफ़ी क्लोज रहा था, मैच एक तरीके से देखा जाए तो रनिंग में नहीं, स्पिनर की पिच थी नहीं, और लगातार स्पिनर पर विश्वास दिखाना थोड़ा सा गलत साबित हुआ हमारे लिए भी अपोनेंट के लिए, अंत में हम जीते हैं तो थोड़ी राहत हुई है। जो भी है जैसा भी अभी के लिए लेना होगा, अभी तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल पर देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।